A very good morning, my dear 7th class students. Students, before the holidays, we had completed our unit test syllabus, and I hope that during the vacation, all of you had completed your holiday homework and you had prepared for your unit test. First of all, I pray to God that all your family members, your relatives are very fine, will be fine that this vacation, because those days in last month May and this June also, it was a corona pandemic was going on, and it had affected to many people. So students, now I welcome you in YouTube classes, and now we will proceed for the next chapter of Amudini. So all the students will take out your Amudini book. This is your book, Amudini. Okay, you will take out this book. So students, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने अपना holiday homework complete किया होगा, और अच्छे से vacation में आपने अपने unit test का syllabus complete किया होगा, और preparation भी अच्छे से की होगी. तो इस वीडियो में मैं आज आपको, क्योंकि वो वर्क हम करा चुके हैं, रिवीजन आप खुद को करना है आपको, क्योंकि आपकी यूनिट टेस्ट अभी ओवर नहीं हुए हैं, और आने वाले मंथ में, मीन्स कमिंग मंथ जुलाई में आपके यूनिट टेस्ट होंगे बच्चों, तो आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी. और इस वीडियो में मैं आज आपको आमोदनी का चैप्टर नंबर फाइव पढ़ाऊंगी, क्योंकि फोर चैप्टर्स हमने वेकेशन से पहले ही कम्प्लीट कर लिए. ठीक है, यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं आप, मैंने लिखा हुआ है कक्षा 7, यहाँ विषय है हिंदी हमारा, और आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, गुरु महाराज का आगमन. तो ये आप अपनी बुक निकाल लीजिए आमुदिनी की, इसमें हम लेसन 5 पढ़ेंगे. बच्चों, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, लाइन वाइज आप फिंगर रखते रहेंगे अपनी बुक में और मैच करते रहेंगे कि मैम कहाँ पर पढ़ रही हैं, क्योंकि आपको उससे मैच करना है और समझना है. क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि केवल एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आंसर्स आएंगे बच्चों, इनसाइड द चैप्टर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना. कभी कभी फिलअप्स आ जाते हैं, कभी ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, कभी कभी कोई पैराग्राफ देके उसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी इस तरह से हम दे सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये तैयार करना है लेसन के अंदर से. तो हम शुरू करते हैं चैप्टर गुरु महाराज का आगमन. तो बच्चों, इस लेसन में लेखक ने एक हास्य कथा है, ये इस कहानी के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहते हैं कि हमें सदैव दूसरों का आदर करना चाहिए, और कभी भी हमें जरूरत से ज्यादा शरारतें नहीं करना चाहिए. एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है इस पाठ में, जिसके माध्यम से लेखक ये समझाना चाहते हैं कि उस बच्चे की वजह से उसकी माँ को कितनी जो है अपमान सहना पड़ा. एक ऐसी कहानी है, एक बच्चे के माध्यम से एक माँ को अपमान सहना पड़ता है, तो ये माता पिता के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे उन्हें दूसरों के सामने नीचा देखना पड़ता है. तो यही कहानी है इसमें, और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सदैव हमें बड़ों का अपमान करना चाहिए, और कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए. ठीक है, पाठ पढ़ते हैं आगे. बचपन में मेरा एक मित्र था, ये लेखक कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं अपनी बात, लेखक ही ये बोल रहे हैं, मैं मीन्स लेखक. बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू. देखिए, ये पाठ है आपका गुरु महाराज का आगमन, पाठ 5, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया. ठीक है, ये मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर कि बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू. लल्लू के पिता धनी ग्रस्त थे, यानी कि अच्छी खासी फैमिली थी, रिच फैमिली थी. पुराना घर तोड़वाकर 3 मंजिला इमारत बनाई थी. जो पुराना मकान था उनका, पुश्तैनी मकान जो दादा के जमाने का था, परदादा के जमाने का था, तो उसको तोड़वाकर उन्होंने एक नई इमारत, नया मकान वहां पर बनवा लिया था. तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें बुलाकर उनके चरणों की रस से घर को पवित्र करे. लल्लू एक बच्चा, जो मैंने आपको बताया शरारती बच्चा है, उसकी कहानी है ये. तो उसकी जो माँ थी, मीन्स जो मालकिन थी उस मकान की, वो ये चाहती थी कि वो अपने गुरु जी को उस मकान में बुलवाए और उनके चरणों की रस से, यानी कि उनके जो पैरों की धूल है, रजमिंस धूल, उससे अपने मकान को पवित्र करे. कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था. आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी, आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, मीन्स मौसम खराब था जब गुरु जी उनके आए.
बातचीत में रात हो गई, रहा के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। मीन्स गुरुजी जिस समय आए तो उस समय काफी दिन ढल चुका था, रात हो गई थी। उन्होंने खाना वाना खाया और जाकर के उनके बिस्तर की जहां उनका बिस्तर लगाया हुआ था वहां उनको पहुंचा दिया गया कि आप यहां अब आराम करिए। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की मां नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। क्यों? क्योंकि नंदरानी गुरुजी को बहुत मानती थी और गुरुजी भी प्रसन्न थे कि नंदरानी ने हमें यहां बुलाया है, अपने मकान को हमें इतना सम्मान दिया है कि अपने मकान को वो हमारे चरणों की रस से पवित्र करना चाहती थी। तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे वो। आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उछट गई। जब लेट गए, आराम से बिस्तर पर सो गए, आधी रात हुई तो क्या हुआ कि उनकी नींद अचानक से उछट गई, यानी कि खुल गई। उनकी नींद खुल गई अचानक से। छत से पानी टपक रहा था, उनकी तोंद पर टप टप हो रही थी। तोंद यानी कि पेट पर, जहां वो लेटे हुए थे वहां छत से पानी टपक रहा था धीरे धीरे और उनके पेट पर वो पानी गिर रहा था। ओ, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर पलंग से उठ बैठे। जब पानी उनके पेट पर गिरा तो पानी उन्हें ठंडा ठंडा लगा, तो वो हड़बड़ाकर यानी कि हड़बड़ाकर उनकी आंख खुली एकदम से। निवाण का पलंग भारी नहीं था, मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए। मसहरी में से एक तखत जैसा पहले चलते थे बच्चों, ये अब नहीं चलते हैं, तो उसको खिसकाकर उन्होंने दूसरे थोड़ा सा उसके पास में कर लिया, क्योंकि वहां उन्हें लग रहा था कि छत टपक रही है, तो वो उसको खिसका करके खींच करके थोड़ा पास में ही ले गए। चुपके से और चुपके से फिर लेट गए, लेकिन एक मिनट भी नहीं बीतने पाया था और वैसे ही दो चार बूंद ठंडा पानी उनके पेट पर टपका और वहां से जैसे ही उन्होंने बिस्तर हटाकर दूसरी जगह खिसकाकर खींचकर पलंग को अपने किया, बिस्तर को किया, और जैसे ही लेटे वहां एक दो मिनट भी नहीं बीता कि उनके पेट पर दोबारा से वो पानी टपकने लगा। गुरु महाराज फिर बैठ उठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए, यानी कि उन्होंने सोचा ओहो छत वहां भी टपक रही थी और छत यहां भी टपक रही है, उन्होंने सोचा बिस्तर को और थोड़ा खिसका लेना चाहिए, थोड़ा खींच लेना चाहिए, तो उन्होंने अपने पलंग को बिस्तर को खिसका करके थोड़ा सा और साइड में कर लिया। इस पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए। अब क्या हुआ, जब उन्होंने तो वहां से हटाया, फिर दूसरी जगह से हटाया, तीसरी जगह से हटाया, लेकिन पानी का टपकना बंद नहीं हुआ। पानी का टपकना जारी था, अब भी पानी उनके ऊपर टपक रहा था। तो बेचारे वो पलंग को इस कोने से खींचकर दूसरे कोने में ले जाते, दूसरे कोने से खींचकर तीसरे कोने में ले जाते, लेकिन वहां भी वही हाल, कहीं भी पानी का टपकना बंद नहीं हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है, सोने का उपाय नहीं। उन्होंने देखा तो बिस्तर भी पानी टपक टपक कर भीग चुका था, तो मीन्स उस पर लेटने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। अब क्या हुआ, बिस्तर छोड़ दिया कमरे में से और कमरे से निकलकर वो बाहर आ गए। वहां एक लालटेन जल रही थी किंतु आदमी कोई ना था। अब बरामदे में जब वो आकर बैठे, देखा उन्होंने एक लालटेन तो वहां जल रही थी। लालटेन जो पुराने जमाने में हुआ करती थी, उसको हम जला देते थे बरामदे वगैरह में, जला कर रख देते थे जिससे अंधेरा ना हो, तो वहां जल रही थी, लेकिन आदमी वहां कोई नहीं था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। लाचार होकर मैं, जब उन्हें कोई रास्ता दूसरा नहीं दिखा तो बेचारे क्या करते, वो जाकर के एक बेंच पड़ी हुई थी आंगन में, उस पर जाकर बैठ गए। आधी रात आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। फिर क्या किया कि उन्होंने जो धोती बांधी हुई थी, पहनी हुई थी, उसको निकाला और आधी धोती उन्होंने अपने बदन पर ढक ली। ठीक है, मीन्स आधी धोती को खोल करके उन्होंने अपने बदन पर ढक लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर मच्छर बहुत काट रहे थे। इसी समय एकाएक नया उपद्रव खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने न जाने कहां से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया और मच्छर बहुत सारे मच्छर हो रहे थे वहां, बहुत सारे मच्छर इकट्ठा ग्रुप झुंड बनाकर उनके आकर कानों पे भिनभिन करना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। अब गुरुजी ने सोचा यहाँ मच्छर बहुत है, तो वो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर चले गए, लेकिन मच्छर थे कि उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते अंगोछा फटककर मच्छरों को भगाते, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते। मीन्स बराबर वो मच्छरों को भगा रहे थे, लेकिन मच्छर थे कि भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि मच्छर इतनी आसानी से भागने वाले नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए वो रोक ही नहीं पा रहे थे उनके धावे को। गुरुजी की इस गोलाबारी से अलग अगर दो चार मच्छर शहीद हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमक आ जाती, यानी कि दो चार मच्छर अगर मर भी जाते तो मच्छरों की कौन सी कमी थी,
और मच्छरों की सेना आ जाती थी उनके साथ में। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और जाड़े की ऋतु में भी उनके देह में पसीना छूट गया। मीन्स जाड़े के मौसम में भी इतना परेशान हो चुके थे कि उनके शरीर पर पसीना आने लगा था। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो जी भर के काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। मीन्स वो बेचारे थक चुके थे, पहले तो बिस्तर खिसका खिसका कर कमरे में थक चुके थे, फिर बाहर बरामदे में आए तो उन्होंने देखा कि मच्छर ही मच्छर चिपके हुए हैं उनसे, तो उन्होंने अपनी धोती को इधर उधर बेचारे कभी यहां से उठकर वहां बैठे, कभी वहां से उठकर वहां बैठे, कभी ऊंचे से उड़ा रहे थे जो उनके गले में पड़े थे। इस तरह से वो पूरी रात जो है वो थक चुके थे। तभी उन्हें 4 बजे का घंटा सुनाई दिया। मीन्स पूरी रात ऐसे ही गुजर गई थी, सुबह प्रातःकाल के 4 बज चुके थे। बोले, सुबह तक जीवित रहा तो इस अभागे शहर में फिर नहीं आऊंगा, सुबह जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा। अब वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा अगर मैं सुबह तक जिंदा रहा तो सुबह ही इस गांव से, इस शहर से चला जाऊंगा गाड़ी से, और दोबारा कभी यहां नहीं आऊंगा। कहीं की देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली नींद में आकर उनकी सारी रात की तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। अब पूरी रात के थके हुए थे तो जैसे ही वो बेचारे बैठे सुकून से, भोर हो गई थी, प्रातःकाल का समय था, तो जैसे ही वो बैठे उनको नींद आ गई और वो बेचारे गहरी नींद में सो गए। सुबह नंदरानी नीचे उतरकर आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है, लेकिन यह क्या मामला है, रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया। अब नंदरानी ने जब देखा कमरे में आकर गुरुजी को जहां लिटाया था, जहां बिस्तर उनका किया था, बिस्तर लगाया था, वहां उनका बिस्तर नहीं था, वो खिसक कर कहीं और जा चुका था। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा लेकिन व्यर्थ, अभी कोई नहीं उठा था। गुरुजी कहां गए? एकाएक उनकी नजर एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या? एक कोने में जहां कुछ अंधेरा सा जान पड़ा, हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी, पास जाकर छुप कर देखा, यह तो गुरुजी हैं। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। जब उसने देखा कमरे में गुरुजी नहीं है तो उसने बाहर जाकर देखा तो वहां एक कोने में बेचारे गुरुजी लेटे हुए थे, जहां पर वो गहरी नींद में सो रहे थे। यह देखकर उनकी नंदरानी जो है वो परेशान हो गई, व्यथित हो उठी कि ये क्या। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। अब गुरुजी तो सारी बातों से अनजान थे, वो तो यही सोच रहे थे कि चूरा है मकान, नया मकान बना था, मकान के पूजा के लिए, एक तरह से उनके चरणों की रज के लिए ही, चरणों की धूल से मकान को पवित्र करने के लिए ही उन्होंने बुलाया था। अब नया मकान बना हुआ है, फिर भी मकान टपक रहा है, चू रहा है, वो बेचारे थोड़े से परेशान थे। नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआंसे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है, रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा, यानी कि जो ऊपर से पानी बरस रहा था और छत पर इकट्ठा हो गया था, वो सारा मेरे ऊपर गिर रहा था। तुमने मकान बनवाया जरूर है, लेकिन सही नहीं बनाया तुम्हारा मकान, सारी छत टपक रही है। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका, छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची, यानी कि बिस्तर छोड़कर बाहर आया तो यहां भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गुरुजी ने, गुरुजी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। उसने कहा, लेकिन गुरुजी यह तो 3 मंजिला मकान बना हुआ है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है और कमरे भी हैं, मीन्स आपके कमरे के ऊपर तो कमरे बने हुए हैं, टपकने का सवाल ही नहीं उठता। गुरुजी ऐसा कैसे हो गया? वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? यानी कि 3 मंजिला मकान है, आपके कमरे के ऊपर छत, फिर उसके ऊपर छत, तो 3-3 छतों को तोड़कर पानी कैसे आ सकता है अंदर? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह शतानल्लू की गुल कारस्तानी उसका बेटा नंदरानी। तभी उन्हें ध्यान आया कि कहीं इसमें कुछ लल्लू की कारस्तानी में लल्लू की हरकत तो नहीं है, कि उसने कभी कुछ कष्ट पहुंचाने के लिए कुछ अपना ऐसा कुछ किया हो जिससे वो गुरुजी को परेशान कर सके। वह दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोलकर देखा, बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। जब उसने बिस्तर को छूकर देखा तो उसने क्या देखा कि चादर जो है वो बीच बीच में से भीगी हुई, ठीक है। ऊपर नजर डाली तो मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था, मसहरी मीन्स मच्छरदानी जो होती है। तो उसने जब ऊपर को देखा तो वो मसहरी यानी कि मच्छरदानी की जो छत होती है उस पर, उसमें से बूंद बूंद पानी टपक रहा। चटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक ढेला उस समय भी मौजूद था, यानी कि एक बर्फ जो होता है
आइस जो हमारे फ्रीजर में हम लोग जमाते हैं पानी का, तो वो उसने कपड़े में बांधकर वो मशहरी की छत पर यानी कि मशहरी पर रख दिया था ऊपर की तरफ। नंद रानी सब समझ गई, पागल की तरह झपट कर वह बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर आदेश दिया, देखो दुष्ट कहाँ है, तुम लोग काम छोड़ो और जाकर बदमाश को जहां भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट कर लाओ। और उनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि गुरुजी का अपमान हुआ था, गुरुजी को तो वो बहुत सम्मान देती थी, बहुत आदर करती थी, लेकिन उस लल्लू की वजह से गुरुजी को कितना अपमान, कितनी परेशानी, कितना कष्ट सहना पड़ा ये वो सहन नहीं कर पा रही थी। पागल घसीट कर लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे, पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वह भौचक्के से हो गए, बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। नंदरानी रो पड़ी, बोली बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव जी की क्या दशा की है, जरा चलकर देखिए। अपने पति से कहा कि देखिए आपके पुत्र ने बिना किसी कारण के, बिना किसी परेशानी के, उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी क्या दशा इसने लल्लू ने की है, जरा आप चलकर देखिएगा। तब सब लोग कमरे के भीतर गए, लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो होकर हंसने लगे, यानी कि गुरुजी को भी इतना नहीं हुआ कि देख लें कि क्या हो रहा है, वो अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। नौकर ने आकर कहा लल्लू बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वह मौसी के घर में बैठ पेट पूजा कर रही है। इसके लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा, अर्थात लल्लू जो वो बच्चा था शैतान, जब उसको ढूंढने गए तो वो बच्चा वहां नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं दिखाई दिया। तो उसने देखा कि क्या वो मौसी का घर पास में ही होगा, वहां वो बच्चा बैठा हुआ खाना खा रहा था और मजे से आनंदित होकर, उसको कोई गलती अपनी महसूस नहीं हो रही थी। और उसके बाद वो 15 दिन तक उसे लगा कि मैंने गलती की है या डर गया अपनी माँ से, जो भी है, बहरहाल 15 दिन तक वो अपने घर की चौखट पर उसने कदम नहीं रखा, शायद यही सोचकर कि माँ मारेगी। तो ये बच्चों, इस तरह से कुछ शैतानियां होती हैं बच्चों की, जो बिना सोचे समझे करते हैं और जिसकी वजह से बड़ों को कष्ट उठाना, बड़ों को नहीं कह सकती मैं, किसी को भी छोटा बड़ा कोई भी कष्ट उठाता है उनकी इस तरह की गतिविधियों के कारण। तो ये चीज बच्चों गलत है, हमें कभी भी बड़ों का अपमान, बड़ों से गलत तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिली, और इसके साथ साथ ही मैं अब आपको इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ बच्चों, ठीक है, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इसमें करा रही हूँ। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है इस पाठ की, कि सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ये हमारे फिलिप्स हैं कि लल्लू के पिता धनी ग्रस्त थे, यहाँ ग्रस्त आ जाएगा। ख दूसरा सेंटेंस है, निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। ग सेंटेंस है थर्ड नंबर का, बरामदे में एक लालटेन जल रही थी, ठीक है, यहाँ आ जाएगा लालटेन। बच्चों अगर आप पाठ को सही से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो आप फिलिप्स वगैरह ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये इजीली आप कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुजी अंगोछा फटकार मच्छरों को भगाते थे, यानी कि अंगोछे को झटक झटक कर वो मच्छरों को भगा रहे थे। यह उसी शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। लल्लू यानी कि वो लड़का नंदरानी का जो था, तो वो समझ गई थी कि उस लल्लू की ही ये कोई कारस्तानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है, टिक करना है जो ऑप्शन हमारा सही होगा। रात को गुरु महाराज के ऊपर क्या टपक रहा था, बरसात का पानी, बर्फ का पानी या घड़े का पानी, तो क्या टपक रहा था उनके ऊपर, बर्फ का पानी, ठीक है, ये हम देख सकते हैं इसमें। खा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, बर्फ का पानी, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कौन सी ऋतु में गुरु जी की देह से पसीना छूटने लगा, कौन सी ऋतु में छूटने लगा, वर्षा ऋतु में, गर्मी की ऋतु में या सर्दी की ऋतु में। आपने अभी चैप्टर में पढ़ा कि जाड़े की ऋतु में भी उनके देह से, उनके शरीर से पसीना छूटने लगा था, तो सर्दी की ऋतु में उनके शरीर से पसीना छूटने लगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु महाराज अचेत होकर कहाँ सो गए थे, तो ये देखते हैं कि कमरे में सो गए थे, आंगन में सो गए थे या बरामदे में सो गए थे। तो वो अचेत होकर यानी कि बेसुध होकर कहाँ सो गए थे, जब पूरी रात थक गए थे तो बरामदे में आकर बैठ गए थे और उन्हें वहीं पर नींद आ गई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बरामदे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मशहरी पर कपड़े में बंधा क्या रखा था, पानी का भरा हुआ लोटा या बर्फ का ढेला या पत्थर, तो क्या रखा था वहां पर बच्चों, मशहरी की छत पर जो है क्या रखा हुआ था, कपड़े में बंधा हुआ बर्फ का ढेला, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी एमसीक्यूज वाली कम्प्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। लल्लू के पिता धनी ग्रस्त थे, सही है ये, देखिए। निडर होकर गुरु महाराज बरामदे में आ गए,
तो ये गलत है क्योंकि वो डरते डरते वहां आए थे। ठीक है, एक मिनट बच्चों, जरा पहले देखते हैं हम पीछे, जरा एक सेकंड के लिए आप वेट करेंगे। ठीक है, तो ये यहां देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहां पर एक बेंच पर आकर यहां से, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहां लिखा हुआ है कि निडर होकर ये रहा, आप डरते हुए यहां देखिए, आप ये दिया गया है सेंटेंस में कि डरते हुए पुरु महाराज बरामदे में आ गए, और आपका उसका फिलप्स में है कि निडर होकर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रहा देखिए कि निडर होकर गुरु महाराज बरामदे में आ गए, तो ये हमारा गलत सेंटेंस है। गुरुजी गर्मी के कारण परेशान थे, ये गलत है। गुरुजी बड़ी, क्योंकि गर्मी का मौसम ही नहीं था, सर्दी का मौसम था। गुरुजी बड़ी अनुनय विनय के बाद घर आए थे, ठीक सही वाक्य है ये बिल्कुल। 10 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा, 15 दिनों तक, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गृहस्थ ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचारी सन्यासी, अचेत सचेत, गांव शहर, पवित्र अपवित्र, बचपन बुढ़ापा, इच्छा अनिच्छा। ठीक है, तो ये हमारे विलोम शब्द हो गए बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। देह पहुंचने का कपड़ा अंगूछा, घर परिवार वाला गृहस्थ, जो आदर के योग्य हो आदरणीय, शरारत करने वाला शरारती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। पहला वाक्य है हमारा, उनकी नींद अकस्मात उचट गई, तो अकस्मात हमारा क्रिया विशेषण है। उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया, अच्छी तरह हमारा क्रिया विशेषण है इसमें। सुबह नंदरानी नीचे आई, कहां नीचे आई, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। उन्होंने नौकरों को तुरंत पुकारा, तुरंत हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, यानी कि ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें सही करके लिखना है। पहला है अनुनय, अनुनय नहीं होता बच्चों, अनुनय होता है अनुनय, अनुनय हो गया हमारा। दूसरा है व्यर्थ, थापे रा ऊपर थापे चढ़ेगा रा, इसमें देखिए इसमें या पे लगाया हुआ है, तो ये गलत है, व्यर्थ हमारा ये सही स्पेलिंग है। आशंका नहीं होता, आशंका होता है, ये हमारी सही स्पेलिंग है। बिछोना, बिछौना होता है बच्चों, ठीक है, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारे इसके मौखिक क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ देखिए, लल्लू कौन था, यहाँ लिखा हुआ है देखिए मौखिक क्वेश्चन में, लल्लू कौन था, लेखक का दोस्त जो एक शरारती लड़का था। कौन था लल्लू, लेखक का दोस्त था जो एक शरारती लड़का था। ठीक है, नेक्स्ट है, लल्लू की माँ का क्या नाम था बच्चों, लल्लू की माँ का नाम नंदरानी था। जिस दिन गुरु महाराज आए उस दिन कैसा मौसम था, आंधी और बारिश का मौसम था उस दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु महाराज अचानक हड़बड़ा कर क्यों उठ बैठे, क्योंकि उनके ऊपर पानी टपक रहा था। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है बच्चों। मौखिक क्वेश्चन आंसर्स भी आप याद करते रहिएगा, क्योंकि मौखिक क्वेश्चन आंसर्स भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि मौखिक है तो नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। लेसन 5, लल्लू की माँ की क्या इच्छा थी और क्यों। लल्लू की माँ की यह इच्छा थी कि वह अपने गुरु महाराज को अपने नए मकान में बुलाए, क्योंकि वह गुरु महाराज के चरणों की रज से अपने घर को पवित्र कराना चाहती थी। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुरु महाराज की नींद कैसे उछट गई तथा वह कमरे से बाहर क्यों भागे। ठीक है, इसका आंसर होगा, गुरु महाराज की नींद इसलिए उछट गई क्योंकि पानी की बूंदे टप टप करके उनके पेट पर टपक रही थी। वह कमरे से बाहर इसलिए आ गए थे क्योंकि उनका बिस्तर भीग गया था। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नंदरानी की आंखें क्यों भर आईं। गुरु जी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, गुरु जी बाहर बेंच पर जाकर क्यों बैठ गए। ठीक, इसका आंसर होगा, गुरु जी बाहर बेंच पर जाकर इसलिए बैठ गए क्योंकि रात भर उनके ऊपर पानी टपकता रहा, जिसके कारण उनका बिस्तर भीग गया। ठीक है, ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप देख सकते हैं एक बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उसका आंसर है ये हाफ था उधर पीछे, हाफ ये है, और परेशान होकर वह बाहर बेंच पर आकर बैठ गए थे, यानी कि बिस्तर उनका भीग गया था और परेशान होकर वो इस बात से बाहर आकर बेंच पर बैठ गए। कमरे के बाहर आकर गुरु महाराज के साथ क्या हुआ।
कमरे के बाहर आकर मच्छरों ने गुरुजी पर धावा बोल दिया। देखिए धावा बोल दिया, मच्छरों से बचने के लिए गुरुजी जहां भी जाते मच्छर उनके पीछे पीछे चले जाते थे। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। और बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना यूनिट टेस्ट का सिलेबस तैयार करते रहिए। मैं रिवीजन भी आपको कराऊंगी यूट्यूब वीडियोस में, क्योंकि आज तो मैंने इसीलिए आपको नेक्स्ट चैप्टर दे दिया क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट वीक में आपको रिवीजन कराऊंगी उसका, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। रिवीजन आपने कितना प्रिपेयर किया है फिर देखते हैं, एक टेस्ट का छोटा सा एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको बनाऊंगी फिर उसमें डालूंगी, आप देखिएगा उसको कि कितने आंसर्स आपके सही होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका, इसे भी आप प्रिपेयर करेंगे, चाहे आप ना करें अभी इसको प्रिपेयर क्योंकि ये तो आगे का सिलेबस है। ठीक है, यूनिट टेस्ट का ही सिलेबस आप प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक छोटा सा टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।